के माड़ापार गांव में रविवार को पुलिस ने धर्मांतरण कराने आए वाराणसी के युवक को गिरफ्तार कर लिया। गांव में 50 से अधिक महिलाएं एक जगह इकट्ठी थीं और उन्हें रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने की तैयारी थी। मौके से पुलिस ने धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की है। पुलिस धर्मांतरण कराने की धारा में केस दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि यह लोग घर की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें रुपयों, बच्चों को शिक्षा समिति प्रमाण लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर करते हैं। क्यों तुम भाग रहे थे? भाग रहे थे, मैं बाहर ही खड़ा था और ये बोले थे तो मैं वहाँ गया था, तो ऑटो वाले जो थे वो ऑटो वाले बोले थे नहीं सर, मेरा नाम संजय कनौजिया। मेरा नाम संजय कनौजिया। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ लॉन्ड्री का। कितना है लॉन्ड्री का? हाँ सर। तो यहाँ जैसे आप अभी कहें कि आप कहाँ से आएगा? मैं बनारस से। तो बनारस में ही लॉन्ड्री काम है? हाँ जी, मैं लॉन्ड्री में काम करता था, पर जब मैं यहाँ पे आया था तो सभी लोगों ने कहा, प्रचार किया, तब किया कि आ रहे हैं यहाँ पे। मैं धीरे धीरे यहाँ से 3 साल हो गए। 3 साल से आ रहे हैं? तो क्या करते हैं? मैं लॉन्ड्री करता हूँ। लॉन्ड्री, आप लॉन्ड्री काम? लॉन्ड्री क्या? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया, थाना खोराबाग के माड़ापार क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा कर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुँच कर जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि एक व्यक्ति जो कि मूलतः बनारस का रहने वाला है और यहाँ माड़ापार क्षेत्र में धर्म परिवर्तन जैसा कार्य कर रहा था, इसको तत्काल पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त थाना खोराबाग पर पंजीकृत किया गया है। अन्य जांच की जा रही है, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उस आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।